हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी एंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इंग्लिश ओडिया लीग अब खत्म होने की तरफ है, अहम सर वर्सेज योर सर का जो सेकंड सेमीफाइनल है उसका प्रेडिक्शन एडवांस में कर दे रहा दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल ऑन करना ना भूले। और दोस्तों अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा लीग चला है इंग्लिश ओडिया लीग, काफ़ी 1.5 महीने से चल रहा है दोस्तों, और काफ़ी टाइम के बाद 18 टीमों की मैच थी दोस्तों। अब 4 टीम सेमीफाइनल की तरफ मूव ऑन कर चुके, 2 टीम जल्दी ही फाइनल की तरफ मूव ऑन हो जाएगी। 1 से 2 दिन में हमें पता चल जाएगा दोस्तों कौन सी 2 टीम खेल सकती है फाइनल, तो इस बेस पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कौन कौन से सेफ प्लेयर होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। तो अब बात करते हैं टीम की, किस तरह से टीम क्रिएट करना है दोस्तों और कौन कौन से सेफ प्लेयर हो सकते हैं कल के मैच में। तो आप पहले बात करते हैं, जैसे आप देखते हो टीम क्रिएट करने के लिए आपको 2 कीपर के ऑप्शन मिलते हैं, लुइस मैकनस और जोनाथन टर्टसल एंडी हॉड। तो यहाँ पर सबसे सेफ आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों लुइस मैकनस, जिनको आप डेफिनेटली टीम में रख सकते हो, स्टार्टिंग से खेल रहे हैं ये, एक आधा मैच बीच में बैठे थे वहीं पर। जोनाथन टर्टसल को भी रख सकते हो दोस्तों, ये भी काफ़ी मैचेस अब खेल रहे हैं टीम के लिए, तो दोनों सेफ ऑप्शन हो सकते हैं योर्कशायर और हेम्पशायर की तरफ से। वहीं पर बात करें बैटिंग लाइनअप में, कॉली कॉटमोरे, एडम ली, चेतेश्वर पुजारा, जेम्स विन, जॉय वेदरले। अब बात करते हैं दोस्तों 5 बैट्समैन की टॉप के, कॉली कॉटमोरे डेफिनेटली खेलेंगे, जेम्स विन खेलेंगे, एडम ली खेलेंगे, वेदरले खेलेंगे। अब बात करते पुजारा की दोस्तों, जैसे कि पुजारा इंडिया में आए थे और अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच था जो इंटरनेशनल टेस्ट मैच मिला था दोस्तों अफगानिस्तान को, वो भी नंबर 1 टीम के खिलाफ, और 2 दिन में वो टेस्ट मैच ख़त्म हो गया दोस्तों। वो अलग बात है, अफगानिस्तान 107 रन और 103 रन पर ऑल आउट हो गए जल्दी ही 474 के जवाब में। लेकिन यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा फ्री हो चुके तो डेफिनेटली मैच खेल सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर इनका कोई भी इनका कोई भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। लेकिन फिलहाल के लिए चेतेश्वर पुजारा डेफिनेटली खेलने के उनके चांस है, तो ये 5 बैट्समैन में से आप किन्हीं 3, 4 या 5 को टीम में रह सकते हो। कि जैसे कि चेतेश्वर पुजारा योर्कशायर की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे और ज़बरदस्त फॉर्म में थे, जैसे कि आप क्रेडिट में भी देख सकते हो काफ़ी ऊपर है, तो उस बेस पे आप रख सकते हो दोस्तों। वहीं पर अगर अदर बैट्समैन को लाना है तो आप रिली रुशो, ग्रे विल्स, जेमी एडम्स, ये सारे प्लेयर को आप टीम में ला सकते हो, क्योंकि ये सारे भी प्लेयर अच्छे हैं। तो दोस्तों ग्रे बैलेंस, रिली रुशो, टॉम एस्लियप, जेमी एडम्स, तो ये 4 बैट्समैन और ऑप्शन मिल जाते हैं, 4, 5, 9 बैट्समैन मिल जाते हैं आपको दोस्तों टोटल। तो आप ये 9 बैट्समैन में से दोस्तों सेलेक्ट करना है सिर्फ 3, 4, 5, तो ये आपको वाइड वराइटी ऑफ यहाँ पे प्लेयर्स मिल जाते हैं जिनको आप टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में कोई इतने खास नहीं है, ग्रेथबर्ग, ब्रेड टेलर, टीम ब्रेसनन, लियम डॉसन। तो पहले ये 3 की बात करते हैं दोस्तों, बर्ग डेफिनेटली खेलेंगे, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड टेलर खेलेंगे, ब्रेसनन खेलेंगे, तो आप इन तीनों को प्लेयर को रख सकते हो टीम में दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा अदर प्लेयर की, तो उसमें लियम डॉसन, डेविड विले, लियम पोलिंगटन, इन तीनों की बात की जाए दोस्तों, तो ये दोनों टीम ऑस्ट्रेलिया की, दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो मे बी इनका जो मैच है दोस्तों उसके 24 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो मे बी ये दोनों ना आ पाएँ सेमीफाइनल के लिए, तो इनको क्रॉस कर दो पूरी तरह से रिस्की। लियम डॉसन डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों, क्योंकि लियम डॉसन अब मैच में जुड़ चुके हैं, तो उस बेस पर इनको आप टीम में रह सकते हो दोस्तों। अब बॉलिंग लाइनअप में बात करें, आदिल राशिद तो नहीं खेलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो मैच है और सर का और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का डिफरेंस कुछ 24 आवर्स का है दोस्तों, तो उस बेस पे आप नहीं रख सकते उनको। स्टीवन पैटरसन, मैथ्यू फिशर, बेनकॉट, रिसी टॉपले, तो ये 5 गेंदबाज डेफिनेटली खेलेंगे, बेनकॉट खेलेंगे, मैथ्यू फिशर खेलेंगे, रिसी टॉपले खेलेंगे, मैसन केरन खेलेंगे, ये 5 में से आप किन्हीं 3, 4, 5 को रख सकते हो दोस्तों टीम में। पैटरसन को भी आप रख सकते हो, स्टीवन पैटरसन को, ये 5 गेंदबाज हो गए। अगर आपको इन 5ों में से चेंजेस करना हो तो दोस्तों आप इन्हें ला सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जिनको आप ले सकते हो टीम में, लेकिन दोस्तों आप इन 2 प्लेयर को टीम में वापस ला सकते हो, तो आप दोस्तों इन 3 प्लेयर को भी ला सकते हो गेंदबाजी में। जैसे कि डेल एस्टन साउथ अफ्रीकन प्लेयर है दोस्तों, कई सालों से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे, लेकिन लास्ट 2 सालों से देखा जा रहा है इनको ना टेस्ट मैचेस में इतना लिया जाता है ना ODI में, तो मे बी वर्ल्ड कप अब नज़दीक है, तो मे बी ये चाहेंगे कि एक वर्ल्ड कप मैच खेल ले आफ्टर एवी डी विलियर्स रिटायरमेंट के बाद से। आपको अगर सीनियर प्लेयर की तरफ नज़र डाले तो डेल स्टेन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, करवेयर को रख सकते हो आप टीम में, मार्कवुड को रख सकते हो दोस्तों, दोनों भी सॉरी क्रिस वुड को रख सकते हो आप। ये 3 गेंदबाज और मिल जाते हैं, 3, 5, 8 गेंदबाज जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों,
केवल 3 या 4 गेंदबाज से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ODI मैच है। ऑलराउंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो 2 से 3, जिससे आपको बैलेंसिंग मिल जाए टीम को। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर कोई ऐसे गेंदबाज नहीं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन मैथ्यू फिशर्स को मैं रखना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तो उस केस पे आप रख सकते हो उनको बैटिंग की वजह से, क्योंकि ज़बरदस्त बैट्समैन है मैथ्यू फिशर्स, तो आप उस बेस पे उनको टीम में रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना चाहूँगा मैं टॉम एस्लब के साथ। तो पहले बात करते हैं इन प्लेयर्स की, तो ये देखो, तो इसमें से जो आपके फर्स्ट चॉइस होंगे लियम डॉसन को आप रख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। अगर बैट्समैन में भरोसा करना है तो कॉली कोडेमोरे, रिली रूसो, चेतेश्वर पुजारा, एडम लिथ, ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। वहीं पर ब्रैड टेलर लास्ट कुछ चंद मैचेस ही खेल रहे लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बर्क को रख सकते हो दोस्तों, मैथ्यू फिशर को रख सकते हो गेंदबाजी की तरफ से, क्योंकि थोड़ी बहुत अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर इनको चांस मिलता है बैटिंग में परफॉर्म करने का तो डेफिनेटली काफ़ी सारा रन कर सकते हो, तो उस बेस पर इनको टीम में रख सकते हो। तो ये हो गया कैप्टन वाइस कैप्टन की बात दोस्तों, जो आपके मैच में हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2 प्रीव्यू दिखाऊंगा, आपको मेरी दोनों प्रीव्यू को कंपेयर करना है, फिर देन आपको टीम बनाना है। सेम टीम क्रिएट नहीं करना है, डेफिनेटली आप हारोगे इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लॉस होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने टीम नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे मेरे को वन टाइम में आपको मैं 22 प्लेयर दिखा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों प्रीव्यू से दिखा सकूँ। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सबसे सेफ प्लेयर जो होंगे उनको मैं रेड मतलब स्टेट साइन करूँगा, और जो रिस्की होंगे थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से मैं उन्हें क्रॉस कर दूंगा। ब्लैक मैकमैनस डेफिनेटली खेलेंगे, कॉडमोर खेलेंगे, लीथ खेलेंगे, विंस खेलेंगे, पुजारा थोड़ा रिस्की हो सकते हैं लेकिन खेलने चांसेस हाई है दोस्तों, क्योंकि जो मैच था अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ वो ख़त्म हो चुका है टेस्ट मैच, और काफ़ी तो इनका अभी ये जा सकते हैं वापस में। रिलो रिसो डेफिनेटली खेलेंगे, ब्रैड खेलेंगे, लियम डॉसन खेलेंगे, फिशर खेलेंगे, क्रिस वुड खेलेंगे, करवर थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, लास्ट मैच में चांस मिला था अच्छा परफॉर्म किया है तो उस बेस पे उनको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड लीग में, तो इनको आप थोड़ा रेस्ट दे सकते हो। वहीं पर अगर आपको थोड़े और प्लेयर चेंजेस करना हो तो आप टेटरसल को ला सकते हो, वेदरलेट को ला सकते हो, ग्रे बैलेंस को ला सकते हो, टॉम एस्लेप को ला सकते हो, हेनरी ब्रुक को ला सकते हो, बर्क को ला सकते हो। हेनरी ब्रुक थोड़ा रिस्की हो सकते हैं लेकिन क्रेडिट पॉइंट मैनेज करने के लिए आप टीम में ले सकते हो। बर्क को ले सकते हो, ब्रेसनिन को ले सकते हो, मसन करन, पेटरसन, बेनकोड, तो ये सारे प्लेयर हो सकते हैं। ये 3 2 5 और ये 3 4 9, वहाँ पर आपके पास 9 प्लेयर थे, 9 यहाँ पे प्लस कितने हो जाते हैं टोटल 18, तो आपको 18 में से 11 सेलेक्ट करना है दोस्तों। 18 में से आउट ऑफ 18 11 प्लेयर यू हैव टू सेलेक्ट, फिर उसका डिसाइड करना है दोस्तों किसको कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में भी मैंने बता दिया। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोनों प्रीव्यू को मेरे आप कंपेयर करके एक टीम क्रिएट कर सकते हो। फिर से मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ दोस्तों और बता देता हूँ इसकी प्लेयर कौन से थोड़ा करवर थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, एक मैच के बेस पर उनको नहीं बोल सकते। चेतेश्वर पुजारा का जब तक कन्फर्मेशन अपडेट नहीं मिल जाता दोस्तों आप प्लीज़ उनको टीम में मत लीजिए, स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में ले सकते हो, और मुझे लगता है डेफिनेटली ये खेलेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। और जो बाकी के प्लेयर है वो सारे के सारे खेलने वाले हैं, यहाँ पर इसकी पुजारा और मैं करवर थोड़ा हो सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ में अगर आपको दिखा तो प्लेयर अगर आप चेंजेस के तौर पे लाना चाहते हो तो यहाँ पर ब्रुक थोड़ा रिस्की हो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है डेफिनेटली खेलने चांसेस हाई है लेकिन रिस्की हो सकते हैं। बाकी सारे के सारे प्लेयर खेलेंगे दोस्तों, तो आप सारे के सारे प्लेयर को भी टीम में रख सकते हो। दोनों प्रीव्यू मैंने वापस से एक बार दिखा दिया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले दोस्तों अपडेट के लिए।